कन्हैया जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। हमारे जिले के बसिया मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के पुत्र मंत्री आदरणीय सुखदेव पासे जी भी हैं और आदरणीय जिले के लाडले लोकप्रिय सांसद नकुल नाथ जी आपसे अभिवादन कर रहे हैं। साथियों से ही सब कुछ है। आज जो भी जिस जगह पर हम बैठे हैं यह हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी ताकत है जो आप लोगों ने सहयोग करके आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया और आदरणीय सांसद नकुल नाथ जी को बनाया और विधायक आदरणीय सुनील उइके जी। 50 करोड़ 40 लाख रुपए का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार तालियों से जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे जी, हमारे जुनाथियों के विधायक सुनील उइके जी, हमारे कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पांडोना के विधायक नीलेश उइके जी, हमारे प्रवेश जमीन खान जी, सम्मानित मंच, मेरे नौजवान, मैं आपके बीच में आया हूँ, आपका धन्यवाद करने, बहुत बहुत धन्यवाद करने, धन्यवाद इसलिए करने क्योंकि पूरे चुनावों में लोकसभा चुनाव में अगर मुझे कहीं से अधिकतम लीड मिली है तो वो कामयाब से मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख का कर्जा लिया था और तीसरे चरण में 1.5 लाख और आखिरी और चौथे चरण में उन किसानों का कर्जा माफ होगा जिन्होंने 2 लाख का कर्जा लिया है। साथियों, मैं युवा हूं तो मेरी प्राथमिकता युवाओं के प्रति है, लेकिन चुनाव प्रचार के समय मैंने आपको वचन दिया था, विश्वास दिलाया था कि मैं 3 चीजों पर ध्यान दूंगा, उनको प्राथमिकता दूंगा। 1 है शिक्षा, 2 है चिकित्सा और 3 सिंचाई। अगर शिक्षा की बात करें तो सांसद बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया, मैंने अपना वचन निभाया। मैंने अपने युवाओं साथियों को वचन दिया था कि अगर मैं सांसद चुना जाऊंगा तो मैं
अपने छिंदवाड़ा जिले में यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय खोलूंगा। आज मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय की स्वीकृति दे दी है कि शासन भी आपका, प्रशासन भी